जनता पार्टी युवा की पार्टी है जो युवाओं को बहुत बड़ा बढ़ावा दे रही है। 11 करोड़ रुपए के काम का सेमिनार विधायक जी के। ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो लगा है कि डगमगा रही है, क्योंकि सारा जोर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ मानेसर से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष या उन्हें प्रधान कहा जाए हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे आज चर्चा करेंगे प्रवीण यादव जी से कि यहाँ पर युवाओं की जो टीम है, यादव जी तो आप कैसे मतलब यहाँ पर युवाओं भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मैं आपको तकरीबन देखता हूँ कई जगह, मैंने देखा आप हर प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। हमारे मंडल में 33 गांव लगते हैं और हमारे 33 गांव में सभी गांवों से दो दो लड़कों की टीम जो है, जो युवाओं की टीम है वो 66 बंदों की टीम है। अच्छा। और 66 के साथ 6000 चलती है। जब कोई पार्टी का आदेश आता है किसी भी कोई कार्यक्रम को करते हैं तो एक पूरा सहयोग के हिसाब से, पूरे क्षेत्र के हिसाब से पार्टी के कार्यक्रम के लिए सभी एकजुटता से जुड़कर काम करते हैं। मैंने कई बार आपसे मुलाकात की है, अमूमन जब भी मैंने आपसे बात की तो आप हमेशा कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ। सेवक आप किस रूप से आप देखते हो पार्टी में? हमने पार्टी में जुड़ने के लिए कोई मतलब अपना कोई एम नहीं दे रखा हमने। हमने सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम और पार्टी की सेवा के लिए हमने काम करना है। बाकी हमने जो पार्टी का आदेश आते हैं सिर्फ उन्हीं पर काम करना है, समाज का काम करना है। और मैं आपको बता दूं, 2014 में हमने एक एनजीओ रजिस्टर कराई थी जिसका नाम मानेसर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मिडवो बोलते हैं, जिसमें हम उस समय से लेकर अभी तक इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पर एमपी का बहुत बड़ा हब है, जिसमें सीएसआर के थ्रू जो पैसा इंडस्ट्री का होता है वो हम पूरे क्षेत्र में लगवाने का कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो पेड़ लगाने का हो, चाहे वो पानी की सुविधा का हो, चाहे वो सफाई की सुविधा का हो, चाहे वो नौकरी की सुविधा का हो, चाहे वो स्कूल में किसी प्रकार का काम करने की सुविधा का हो, उसमें हम पूरे दलबल से काम कर रहे हैं। और उसके बाद पार्टी ने हमें अच्छा मौका दिया, हमें काम करने का मौका दिया, तो हम काम से मतलब रखते हैं, सिर्फ काम और काम। तो जो आपने बताया कि जिस प्रकार से आपने मिडवो जो कंपनी बनाई, उससे जो ग्रामीण लोग हैं उनको कितने लोगों को भी लाभान्वित हुआ, वो लोग अपने आप में कैसा, आप लोगों से जब मिलते हैं आपने उनके काम करवाए तो क्या उनका फीडबैक रहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर हम तो सेवक हैं, काम कर रहे हैं, तो हम तो अपने मुँह से कुछ कह नहीं सकते, बाकी जनता है आप उनसे पूछ लीजिए। और काम तो बोलता है, दिखता है ना, नाहरपुर गांव है, कासड़ गांव है, खो गांव है, इनमें सब सीएसआर का पैसा लगा हुआ है। मानेसर गांव है, सब में सीएसआर का इतना पैसा लगा हुआ जितना सरकार का भी, जितना सीएसआर का पैसा लगा हुआ है। तो आप जनता से पूछ, आप युवा हैं और युवा होने के नाते मेरा ये आपसे प्रश्न बनता है कि इस समय 5 राज्यों में देश के अंदर चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गोवा, तो आप इसमें युवाओं का योगदान कितना समझते हैं, युवा कितनी महत्वपूर्णता से इसमें वर्क कर रहा है, और आपको अगर इसमें जीत मिलती है तो उसमें क्या रेशियो दोगे युवाओं को? सबसे पहले तो किसी परिवार में, किसी क्षेत्र में, किसी घर में, कहीं भी आप चले जाना, सबसे पहले आपको युवा ही दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी युवा की पार्टी है जो युवाओं को बहुत बड़ा बढ़ावा दे रही है। और मैं एक बात मानता हूँ कि पार्टी में झंडे में डंडे का काम जो है वो युवा का होता है, और हमारे सभी 5 राज्यों में युवा 70% ज़्यादा काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे 5 राज्यों में प्रचंड रूप से पूरे बहुमत से सरकार बनने वाली है। ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो लगा है कि डगमगा रही है, क्योंकि सारा जोर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव भी, उनके जो विपक्षी पार्टी है वो बड़े दमखम वो भी भर रहे हैं, वहाँ क्या देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश कहते हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, या फिर ये कहा जाए कि लोकसभा का जो चुनाव होता है
तो इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को एक मिनी लोकसभा चुनाव कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात आपकी ये, बट इसमें कोई ज़्यादा मैं मानता नहीं हूँ कि हमारी टक्कर में कोई है। और रही बात दूसरी पार्टियों की, दूसरे दलों की, वो दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने पिछली जो उनकी सरकार थी, उन्होंने सिवाय गुंडागर्दी को दूसरा कोई काम काम नहीं करा, जनता के लिए कोई काम नहीं करा। हमारी 5 साल की सरकार जो यूपी में बनी थी, योगी जी ने कितने बढ़िया तरीके से काम करे हैं कि हाईवे देखो, रोड देखो, और सबसे बड़ी बात यह है हमारी बहन बेटियां दिनों रात हो बेझिझक तन मत बेझिझक रोड पे निकल सकती, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती, और गुंडे मवाली सब बाहर है। अच्छा, आप मानेसर में रह रहे क्राइम हैं, फ्री जी से बोल सकते क्राइम हैं, फ्री जी बोल क्राइम सकते फ्री हैं, जी ऐसे से बोल बोल सकते सकते। ठीक है, तो परंतु यहाँ पे तो आरोप ये लग रहे हैं कि वहां भी तकरीबन पिछली बार भी टिकट दी थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास में चार्ज लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं, वो भी उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी पिछली बार भी, ऐसा कहा जा रहा है, लोगों का कहना है या अदर पार्टियों का कहना है। पर लेकिन मैं अभी उससे हटके आपके मानेसर से प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि आप ये एक इंडस्ट्री हब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब से ये मानेसर निगम में तब्दील किया गया पंचायतों से, तो क्या लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है, नंबर 1 बार। दूसरा, इसके साथ में डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तीनों जगह बैठी हुई है, आपके यहाँ का विधायक भी, आपका जिला का अध्यक्ष भी, और आपके राज्य के मुख्यमंत्री भी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनमोहन लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में हमारे विधायक श्री सत्य प्रकाश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और क्षेत्र की सभी सरदारी को धन्यवाद करता हूँ जो इसके समर्थन में, ग्रामीण क्षेत्र होने से हमें ज़्यादा कोई फायदा नहीं था, हमारा क्षेत्र पूरा अर्बन में आ चुका है, और अर्बन में आने के बाद यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पंचायतों के बस की काम नहीं था, ना यहाँ पे सीवेज की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी, और यहाँ पे बाहर के लोग जो आके बसे हुए हैं, जो किराएदार जिन्हें बोलते हैं, एक गांव में 2.5 लाख से ऊपर की जनसंख्या यहाँ पे है। तो अब निगम आने से काम की जो गति है कुछ रुकी, शुरुआत में कुछ रुकी, अब निगम में जो निगम के जो काम है सारे सुचारू रूप से चल रहे। और एक छोटा सा मार्ग, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटा सा गांव हमारे यहाँ नैनवाल गांव लगता है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है वो, आज उस गांव में 11 करोड़ रुपए के, 11 करोड़ रुपए के काम का शिलान्यास आज विधायक जी के हाथों से हुआ है। अब ये लगाइए कि पंचायत के टाइम पर 20 लाख रुपए से ऊपर की लिमिट नहीं होती है, आज निगम आने से उस गाँव में जो 11 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि मानेसर इतना बड़ा गांव है और बड़े बड़े गांव और भी है मानेसर के साथ, तो कितना ज्यादा काम होगा। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र में निगम बनने से बहुत अच्छा काम हुआ है और होना भी चाहिए था, क्योंकि समय के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। चुनाव आगामी नजदीक है, मानेसर नगर निगम के चुनाव, तो इसमें सभी लोग अपने अपनी कमर कस रहे हैं और सब लोग इस दंगल में उतरेंगे, आप भी हैं उस लड़ाई में? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी का आदेश आएगा वो माना जाएगा। कहीं हवाएं तो चल रही हैं कि इस बार प्रवीण यादव युवा मोर्चा से अपने इस बार तो दंगल में उतरेंगे और चुनाव की तैयारी उनकी फुल फ्लैश है। ये पार्टी का निर्णय है, इसमें मेरा कोई मत नहीं है, ये सिर्फ पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो आदेश देगी हम उसके पार्टी के आदेश में बिल्कुल खराब करेंगे। आप देख रहे हैं इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पर महंगाई या बेरोजगारी की बात की है, तो यहाँ पे हर देखो मानेसर के अंदर में मैं कहता हूँ तकरीबन भारत के हर कोने से यहाँ पे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आप उन लोगों को यहाँ पे कई लोगों की ऐसी विचारधारा होती है कि वो बिहारी है, वो यूपी का है, तो आप लोग उन लोगों को किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले बात तो ये, आपने जिसने भी आपको ये बात कही है वो बहुत गलत बात कही है। ये क्षेत्र आज से नहीं, 2004 में यहाँ पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी और तब से होती जा रही है। यदि इस प्रकार की कोई बात होती तो आज यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले 52 इंडस्ट्रियल एरिया था अपना, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया था, सबसे ज्यादा जो चमक है वो IMT मानेसर में है। तो इस बात को मैं बिल्कुल नकारता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की या जाति का मतभेद होता होगा,
और हमारी पार्टी हो, गांव हो, क्षेत्र हो, सबके लिए समान रूप है। इंडस्ट्री है तो गांव है, इंडस्ट्री है जो यहाँ पे पब्लिक बाहर से काम करने के लिए आ रही है, चाहे वो उत्तराखंड से है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो बिहार से है, किसी भी प्रदेश से कोई अभी यहाँ पे आगे काम कर रहा है तो उसको रहना चाहिए भी इन्हीं गाँव में रहे। तो यदि इस तरह का मतभेद होगा तो बात आगे चल नहीं पाएगी। आपके अध्यक्ष नाम के ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, संगठन को लेकर आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ छोटे से शब्दों में समझाइए कि हरियाणा में इस प्रकार युवाओं में किस प्रकार से संगठन आप कितना मजबूत हो पा रहा है। हरियाणा में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में संगठन पहले बार इतनी जोर शोर से काम, और उनके साथ हमारे युवा के जो अध्यक्ष हैं राहुल राणा जी, पिछली बार जो थे वो कम काम करते थे जी, ऐसा तो नहीं है, बट क्षमता किसी की काम करने की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो हमारे अध्यक्ष जी की क्षमता बहुत ज्यादा काम करने की, दिन रात वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए वो काम करते हैं। उनके साथ हमारे युवा के राहुल राणा जी हैं, पूरे तन मन धन से वो भी लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब के बाद हरियाणा में भी 75 पार का नारा दोबारा आएगा, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी बारीकी से किसी भी चीज को बड़ी बारीकी से लेकर चलते हैं, और उनके साथ हमारे गुड़गांव के अध्यक्ष जो है अपने विपक्ष का तो ये कहना है कि आपके 75 पार का जो नारा था, आप इस बार में कहीं गलती दे दिए और इस बार आपकी सीट कम आई थी, आप कह रहे हैं लोग 15-20 आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो अभी आगे आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा उनको क्या है क्या नहीं। और ओम प्रकाश धनखड़ जी की इतनी मेहनत है जो पूरी वो जोरों शोरों से कर रहे हैं, युवाओं में भी जोश भर रहे हैं, बूढ़ों में भी जोश भर रहे हैं, महिलाओं में भी जोश भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार अब के बाद 75 पार से भी आगे जाने वाली है। और मेयर के चुनाव में बड़े यहाँ पर बहुत सारे लोग उतरेंगे गुड़गांव में और यहाँ भी, उसको कैसे देखते हो आप? 30 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, टिकट किसको कैसे दे पाएंगे आपके धनखड़ साहब? नहीं, वो तो देखो अपनी अपनी दावेदारी तो हर एक आदमी दिखाता है, कोई भी व्यक्ति है अपनी अपनी दावेदारी तो दिखाएगा, लेकिन आप भी कर रहे हैं पर आप तो नहीं दिखा रहे। नहीं, पार्टी जो निर्णय लेगी वो ठीक लेगी ना। हमारी जो गुड़गांव की अध्यक्षता बहन जी गार्गी कक्कड़ जी है, पूरी मेहनत से काम कर रही है, संगठन भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है, विधायक जी भी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, और जो चेहरा है वो चेहरे तो अलग आदमी अपना अपना व्यक्ति अपना अपना दिखाएगा, लेकिन पार्टी जो है वो सही तरीके से सही इंसान को ही टिकट देके मैदान में उतारेगी, और हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे अपने क्षेत्र में, मानेसर नगर निगम में। प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के पड़ोसी विधायक प्रकाश रावता है, उनके साथ में आप मुझे फोटो और कभी अखबार में मैं आपको देख लेता हूँ, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप उनके बड़े करीब और बड़े नजदीक रहते हैं, तो उनके कोई ऐसे 5 काम मुझे बता दीजिए जो उन्होंने मानेसर को दिए हों जिससे जनता के हित के लिए और उस पर बहुत जल्दी काम होकर और वो जनता मानेसर की जनता उससे खुश होगी और वो उनके काम में आएंगे। सबसे पहला जो काम हमारे गाँव में जो अटका हुआ था वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी महिला पुलिस की, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको विधायक जी ने बड़ी मेहनत से उस महिला कॉलेज को सिरे पर चढ़ा के और उसके काम को जल्दी से जल्दी शुरू कराने का काम करा है, और हाईवे से लेकर कॉलेज तक जो रास्ता बनना था कॉलेज के लिए उस रोड का शिलान्यास हो चुका है, काम भी हो चुका है। सबसे पहला काम तो सबसे बड़ा जो काम था वो ये था। दूसरा काम, 3 साल से ये हमारे 44 फुट का एक रोड है जो टूटा हुआ, PWD के में जो अवैध निर्माण थे टूटा हुआ था, 44 फुट का रोड, 1 करोड़ कुछ की उसमें लागत लगनी है, जिसका काम शुरू हो चुका है, तकरीबन 2-4 महीने में वो रोड का काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा काम जो विधायक जी ने, भाई मैं सिफारिश कहूँ या रिक्वेस्ट कहूँ, करके हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी से 500 बेड का जो अस्पताल बनवाने का कार्य किया, मैं इसके लिए भी माननीय भूपेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सत्यप्रकाश रावता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ मानेसर में
लाइटिंग का जो काम है, पोल लाइट, पोल पे बड़ी लाइटें लगवाने का काम, स्ट्रीट लाइटें, और जो पोल पे जो बिजली के जो पोल है उनपे भी लाइटें लगवाने का काम करा। पूरा गांव अंधेरे में होता था, आए दिन चोरियां होती थी, डकैती होती थी। अब उनमें 70% मैं मानता हूँ 70% उनमें सुधार हो चुका है, और आने वाले समय में जो दो चार जगह बची हुई है वहां भी लाइटें लग जाएंगी, तो पूरा मानेसर गांव जगमग योजना में पहुंच जाएगा। और विधायक जी का सिर्फ मानेसर पे ही नहीं, पूरे क्षेत्र पे पूरा ध्यान रहता है, वो पूरे क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही में मैं कहूंगा हमारी बहन जी गार्गी कक्कड़ जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, वो इतना काम कर रही है ग्राउंड फ्लोर पे लेकर एक एक कार्यकर्ता को बनाने का, उनसे काम लेने का, उनको समझाने का, एक बड़ी बहन के नाते इतना अच्छा काम कर रही है जो इससे पहले कभी हो नहीं पाया। मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी कि हमारे राज्य को जो ओम प्रकाश धनखड़ जी, गार्गी बहन जी है हमारी, गार्गी कक्कड़ जी है बहन जी हमारी, विधायक जी हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, वो इतना काम करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से कार्यकर्ता को उठाकर और ऊपर बैठाने का काम करते हैं, और काम भी कर रहे हैं, समाज का काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो काम गार्गी बहन जी की तरफ से हुआ, हमारे विधायक सत्य प्रकाश रावत की तरफ से हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ, ओम प्रकाश धनखड़ जी की तरफ से हुआ, जो मानेसर नगर निगम बनाकर इस पर मोहर लगाई है, सबसे बड़ा काम कराई है, तो हम सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं इस काम के लिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मंडल मानेसर से प्रवीण यादव मौजूद थे, जो कि तकरीबन कई विगत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेवक बनके काम कर रहे हैं।